गाइस मैं तो बैठ गई हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसा होता है ना, धक 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 एकदम, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं कितना हमारा जो हार्ट है कितना जोर से धड़कता है, ऐसा हो रहा है। ये लोग देखिए, आप लोग आ रही, मेरे से घूम रहा है। ये लोग बहुत ऊपर पहुंच गए, मैं रह गई यहाँ पे क्योंकि मेरा सिर एकदम से गर्मी है ना, गर्मी से मेरा सिर एकदम भारी हो गया है और जैसे चक्कर आने का जैसा हो रहा है। थोड़ा सा रुकी हुई हूँ, फिर मैं भी चलती हूँ ऊपर। सो गाइस, हम बस पहुँच गए हैं, 4 कदम और चलना है। और हमने पूरे 1 घंटे की ट्रैकिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम आए थे वहाँ से, निकले थे हम 10:14 पे, अभी हो रहे हैं 11:01, यानी कि पूरा 1 घंटा लग गया हमें ट्रैकिंग करने में। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से और कहाँ तक हमने ट्रैकिंग की है, क्योंकि यहाँ से जो ये हमारी ऊपरी माता है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है मेरे ससुराल का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और यहाँ पर आप लोग को चीड़ के बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे, बहुत सारे पेड़ हैं, और सबसे ऊँचाई पर है ये। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां सुनाए मीठे। सो आपको वो घर दिख रहा होगा जहाँ पे ये पेड़ है, जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, यहाँ पे हमारा घर है। और वहाँ से हमने पूरा ये ट्रैकिंग किया यहाँ तक, लगा सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा, मतलब 1 घंटा मैंने आपको बता दिया, 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है। और जो ये सारा दिख रहा है आपको, ये है हमारा ससुराल, मतलब मेरा ससुराल, जो बताया मैंने को, बताऊँगी नहीं कहाँ पड़ता है, बट सामने पे आपको ये दिख रही होगी अलकनंदा नदी है ना, ये अलकनंदा नदी दिख रही होगी आपको। आजकल थोड़ा सा पानी का कलर मे भी आपको यहाँ पे, वैसे नीला पानी का कलर रहता है, बट अभी ये मिट्टी की वजह से कहीं पे बारिश बाढ़ वगैरह आई है, जो भी मतलब होता है ना पहाड़ों में होता ही है, तो उस वजह से यहाँ पे जो पानी है वो मिट्टी मतलब ब्राउन कलर की हुई है। और सामने आपको जो ये एरिया दिख रहा है, ये है नगरासु, बोलते हैं ना ये नगरासू है। ये सामने पे आपको जो एरिया दिख रहा है, ये है नगरासू। और इधर बहुत सारे गांव पड़ते हैं, इधर मेरी बुआ का ससुराल भी है, चौकी गांव। और साइड में जो आपको दिख रहा है वो रुद्रप्रयाग है। और मौसम आप लोग को यहाँ का अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे यहाँ मतलब बारिश वगैरह आएगी, तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे आजकल आग वाग लोग जला रहे हैं, जंगलों में आग लगा रहे, तो इस वजह से वेदर ऐसा हो गया, बिल्कुल धुंधला हो गया और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सो ससुराल मैंने आपको दिखा लिया है और हम लोग आ चुके हैं ऊपरी माता में। बाकी चलो हम थोड़ा यहाँ पे पूजा करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे नीचे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे और हम यहाँ की धूप ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं नीचे थोड़ी देर में। तो चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस माता रानी के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 12 बजने को आ गई है और धूप ज़्यादा तेज़ लगी है। तो अभी हम लोग सारे जा रहे हैं घर की ओर, जहाँ से हमने ट्रैकिंग की थी हम उसी रूट से जा रहे हैं और वहीं से जा रहे हैं, वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। तो ये लोग फिर आगे आगे दौड़ने लग गए। यहाँ पे आपको चीड़ के पेड़ बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे होंगे, अच्छा लगता है ना चीड़ के पेड़, बहुत सुंदर लगता है गाइस। और इसमें ना इसका ये जो हमारे यहाँ बोलते हैं पिरो बोलते हैं इसको, इसका जो घास होता है ना इसमें फिसलने की बहुत ज़्यादा डर रहती है। तो अभी नीचे जाते टाइम हमें संभल संभल के जाना पड़ रहा है। ये देखो चारों तरफ यहाँ चीड़ के पेड़ हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अभी चलते हैं, ये लोग भाग गए आगे और अब मैं भी जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि नीचे जाने में थकान नहीं लगती है, ऊपर आने में थकान लगती है। इन लोगों का यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है।